बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, वी हैव मेड दीज एमसीक्यूज़ फॉर यू फ्रॉम योर वेरियस चैप्टर्स ऑफ योर बुक, एंड आई एम गोना एक्सप्लेन यू दीज एमसीक्यूज़ फॉर यू, एंड यू आर नॉट सपोज टू राइट द होल क्वेश्चन, बट यू हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल इन क्वेश्चन नंबर वन, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक हेयर कम्स द वर्ड लंडन, सो यू हैव टू राइट number one and you have to write London. Here same is the case with second number, you have to write two and in front of two you have to write the correct option, and you have to write three and in front of three you have to write the correct option, and so on. Okay, so I'm gonna explain you these MCQs, so choose the correct answer. The very first is Paddy Ferreter was the lighthouse keeper in dash. Okay, so option number one is London, second is Dingle, third is Paris, and the fourth is Sydney. Okay, so you have to write the correct option ke Paddy Ferreter jo tha wo lighthouse ka keeper tha to kahan par tha. Okay, the second is Fungi the dolphin has been living in Sing in Dingle for over dash years. Student, this is Dingle. Okay, Dingle. So the options are 12 years, 9 years, 30 years and 33 years. आपने क्या करना है कि आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपने लिखना है. ओके, द थर्ड वन इज डॉल्फिन्स आर डैश कार्निवर्स मैमल्स वेजिटेरियंस एंड बर्ड्स, सो यू हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन. यू हैव टू राइट थ्री and in front of three you have to write the correct answer. Okay, the fourth one is dolphins are dash in color gray, red, orange and purple. Dolphins color mein kaise hote hain? Okay, the fifth one is a capital letter is always used at the dash of a sentence mid, end, start and top, so you have to write five and in front of five you have to write the correct option. Okay, the sixth one is the opposite of buy is dash white, cry, or and sell. Opposite buy jo hai iska opposite kya hai? White hai, cry hai, or hai ya sell hai. Okay, the seventh one is rhyming word of space is dash trace, beware, saw and dinner. Space jo hai iska rhyming word jo iske sath sound mein ek jaisa ho wo kaun sa wala hai? Is it trace, beware, or saw or dinner? The eighth one is anagram of BSTA is dash task, tabs, step and stab. Okay, anagram ka matlab hai ki wo word jo aap isko pher sahi karte ho jin mein alphabets aage piche ho, to ab BSTA jo hai aapne in options mein kya karna hai, क्या आपने देखना है कि बी एस टी ए का करेक्ट जो है वो कौन सा आता है. ओके, सो आप देन 12th नंबर इज़ द मैचिंग वर्ड ऑफ सन इज़ डैश शाइन्स फॉल्स ब्लोस बूम्स. अब आपने क्या करना है कि सन जो है सूरज जो है वो क्या करता है, तो आपने इन ऑप्शंस में से इसका फंक्शन जो है वो निकालना है. ओके, 13 वन इज़ डैश इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग. अच्छा, अब किसी शख्स जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, इज इट अ वर्ब प्रोनाउन एडजेक्टिव और नाउन. ओके, 14th वन इज़ लाहौर इज़ द नेम ऑफ अ डैश लाहौर एक किस चीज़ का नाम है, इज इट अ नेम ऑफ अ प्लेस थिंग एनिमल और पर्सन. ओके, आपने अब इनमें ऑप्शंस में से आपने देखना है कि लाहौर जो है ये किसी जगह का नाम है, चीज़ का नाम है, जानवर का नाम है या किसी शख्स का नाम है. ओके, 15th वन इज़ मिल्क इज़ केप्ट इन द डैश. ओके, दूध हम कहाँ रखते हैं, सो टेबल, चेयर, फ्रिज और कार. ओके, 16th वन इज़ द वर्ड क्राई मैचेस विद डैश फूड सिंग वॉइस बुक. अब क्राई मीन्स चीखना चिल्लाना, जब आप चीखते हो तो आप क्या मीन्स किस चीज़ के थ्रू आप चीखते हो, खुराक या गाना गाती हुई या आवाज़ निकलती है आपकी या बुक है वो. 17th वन इज़ शर्ट ट्राउज़र्स एंड कोट आर डैश. अब
शर्ट जो है, ट्राउज़र है और कोट है, ये हमारे पास क्या है? सो द ऑप्शंस आर क्लॉथ्स, मीट, अल्फ़ाबेट्स एंड कलर्स. ओके, 18th वन इज़ देयर आर डैश सेलेबल्स इन द वर्ड डॉल्फिन. सेलेबल्स मीन्स व्हेन यू प्रोनाउंस अ वर्ड. ओके, जब आप किसी वर्ड को क्या करते हो, उसकी प्रोनाउंसिएशन आप करते हो, तो उसमें जितनी दफ़ा स्ट्रेस आता है तो उसको हम सेलेबल कहते हैं. ओके, सो वर्ड डॉल्फिन जो है इसमें कितनी सेलेबल्स है? 1, 2, 4 और 5. ओके, द 19th इज़ द करेक्ट वर्ड फॉर ब्लू इज डैश ग्रास, बनाना, लेमन, स्काई. अब ब्लू जो है, नीचे जो आपको ऑप्शंस गिवन है उसमें से, इन ऑप्शंस में से ब्लू कौन से वाले का कलर है? ओके, 20th इज रेनबोज हैव द कलर डैश ऑरेंज, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन. अब जो रेनबोज होते हैं तो नीचे जो कलर्स गिवन है उनमें से कौन सा कलर रेनबो में शामिल है? 21st इज रेड इज द कलर ऑफ डैश ट्रीज, ब्लड, वाटर, फ्लावर. स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट फ्लावर. ओके, दिस इज फ्लावर. ओके, 20th इज रेनबोज हैव द कलर डैश. अब रेनबोज जो होते हैं उन नीचे जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से कौन सा रेनबो का है? ऑरेंज, ब्लैक, ग्रे एंड ब्राउन. ओके, 21st इज रेड इज द कलर ऑफ डैश ट्रीज, ब्लड, वाटर, फ्लावर. तो रेड जो है नीचे ऑप्शंस में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका कलर रेड है? 22nd इज द एलिफेंट इज वेरी डैश एनिमल स्मॉल, नॉटी, लार्ज, इंटेलिजेंट. हाथी जो है वो कैसा जानवर है? तो नीचे ऑप्शंस जो गिवन है आपने उनमें से क्या करना है, एक ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना है और आपने लिखना है 22nd, इस तरह नंबर लिखना है और फिर इसके आगे आपने क्या करना है, सिर्फ आंसर लिखना है. 23rd इज स्मॉल रॉक्स आर कॉल्ड डैश स्टोन्स, ग्लासेस, स्केल एंड मार्क. छोटे पत्थर जो है उनको क्या कहते हैं? स्टोन कहते हैं, ग्लासेस कहते हैं, स्केल कहते हैं या मार्क कहते हैं? 24th इज अ लिटल डैश हैड अ गुड आइडिया अबाउट एलिफेंट. सो एक छोटा कौन था, वॉज इट अ बॉय, गर्ल, बेबी और कैट? किसके पास हाथी के बारे में एक अच्छा आइडिया था, ख्याल था? 25 is the synonym of awful is dash dreadful, kind, longer, softly. Synonym means same word. Okay, same meaning. Okay, awful जो है इसकी मानी क्या है? Awful means डराने वाली चीज़. Okay, 26 is words phone and alone end with dash. अब words है हमारे पास phone है and alone है, तो ये किस चीज़ पे ख़त्म होते हैं? सेम लेटर. सेम लेटर मीन्स एक जैसे लेटर्स जो है, जिस तरह हमारे पास पी एच लेटर हो गए, दो लेटर हो गए, ओ एन जो है ई बी लेटर्स है, ई बी लेटर है. ओके, डिफरेंट लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स. अब आपने देखना है कि ये हमारे पास कौन से लेटर्स पे एंड होता है. 27th इज यू सी विद डैश ईयर्स, नोज, आईज, हैंड्स. आप कौन सी चीज़ों पर क्या करते हो, देखते हो, कौन सी चीज़ों की मदद से? नीचे जो ऑप्शंस गिवन है आपने उसमें से क्या करना है, एक को चूज़ करके लिखना है. 28 इज अ पर्सन हु मिल्क्स कोस इज कॉल्ड डैश फार्मर, मिल्कमैन, सर्वेंट एंड फिशरमैन. वो शख्स जो क्या करता है, गाय का दूध धोता है, उसको क्या कहते हैं? फार्मर कहते हैं, मिल्कमैन कहते हैं, सर्वेंट कहते हैं या फिशरमैन कहते हैं? 29th इज एप्पल्स, पियर्स एंड ऑरेंजेस आर डैश वेजिटेबल्स, नट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स. अब ये हमारे पास जो एप्पल्स है, पियर्स एंड ऑरेंजेस है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सब्जियां हैं. नट्स ड्राई फ्रूट को कहते हैं या फ्रूट है या फूल है. ओके, 30th इज अ प्रॉब्लम मीन्स डैश सॉल्यूशन, डिफ़िकल्टी, फिक्स्ड एंड टफ. मसला जो है, प्रॉब्लम मीन्स मसला, उसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन है, डिफ़िकल्टी है, फिक्स्ड है या टफ है? 31st इज लॉन्ग अगो मैनी पीपल लिव्ड ऑन डैश स्टेशंस, एनिमल्स, फार्म्स एंड रोड्स. बहुत अरसा पहले लोग
किस चीज़ पर रहते थे, मीन्स कौन सी चीज़ों के थ्रू वो रहते थे, स्टेशंस, एनिमल्स, फॉर्म्स या रोड्स। 32nd is dash ingredients are used to make biscuits 4, 6, 2, 7 biscuits जब हम बनाते हैं तो हम कितनी चीज़ें यूज़ करते हैं, यू हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन। 33 is long ago people caught fish to dash bun eat walk play बहुत अरसा पहले लोग मछलियों को क्यों पकड़ते थे। 34th is I will be back from America dash Wednesday to and from on you have to write the correct preposition. 35th is Simon and I often play tennis dash together laughing crying late मैं और सिमन हमेशा अक्सर टेनिस खेलते हैं, तो किस तरह खेलते हैं, टुगेदर लाफिंग क्राइंग या लेट। 36th is the antonym of before is dash rude raw after short antonym means opposite okay before का opposite क्या है, rude है raw है after है या short है। 37th is late is the rhyming word of dash song hate glad map rhyming word means वो word जो same sound देता है, तो यहाँ पर आप देखिए late के साथ कौन सा वाला same है। 38 is I baked a cake in the dash oven fridge pan stove अच्छा कहते हैं कि मैंने एक केक बेक किया तैयार किया किस चीज़ में, तो आपने नीचे ऑप्शन से लिखना है। द 39th वन इज़ द वर्ड गेप इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डैश पाइप गैस वाइन गोट अब गेप जो है नीचे आपने वर्ड्स देखने हैं कि इनमें से कौन से वर्ड्स से आप जब अल्फ़ाबेट्स लेंगे तो उससे गेप बन जाएगा। ओके 40 इज़ बिस्किट्स कैन बी डैश विद अ कप ऑफ टी Enjoyed, made, fry, concealed. आप बिस्किट को एक चाय के कप के साथ क्या करते हो। 41 is farms gave us a lots of dash people, flower, ovens, food. Farms जो है यहाँ पर farms का मतलब खेत भी है और वो जगह जहाँ पर आप जानवर पालते हो वो भी है, तो हमें क्या देता है। 42 is are you watching TV क्या आप टीवी देख रहे हो। The sentence is assertive, interrogative, negative, positive कहते हैं कि ये sentence कौन सा वाला है। Assertive means जिसमें हमारे पास statement हो simple statement, interrogative means सवालिया जुमले जिसमें सवाल पूछा जाता हो, negative means वो जुमले जो हमें किसी चीज़ के नफ़ी होने के बारे में बताते हैं, एंड पॉजिटिव मीन्स वो जुमले जो हमें बताते हैं कि हाँ ये काम इस तरह है, पॉजिटिव होने के बारे में बताते हैं। 43 इज माई न्यू पेन हैज़ रन आउट ऑफ इंक द वर्ड पेन इज डैश कहते हैं कि मेरा न्यू पेन जो है उसने काम करना छोड़ दिया है, तो कहते हैं कि या इस सेंटेंस में पेन जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन एडवर्ब कंजंक्शन और नाउन। 44 is the word swim matches with dash baby is a fool and present so dekh raha na mistake shuru hai da fool padhe mein fool ke 48 is there are dash syllables in the word tomorrow tomorrow jo hai ek word hai isme kitne syllables hai when you pronounce it you will come to know that how many syllables are there in the word tomorrow so 1, 3, 6, and 2 please give me dash food small dirty more hard meherbani karke mujhe dash khuraak do to kaisi khuraak de do chhota khuraak ganda zyada ya sakht 50 is it's difficult to dash elephants throw kill eat weigh हाथी को डैश करना बहुत क्या है टफ काम है बहुत मुश्किल काम है थ्रो मीन्स फेंकना किल मीन्स कत्ल करना ईट खाना वे मीन्स वज़न मालूम करना 51 इज़ द फैमिली इन्जॉयड डैश बोट
सेलिंग, गोइंग, पार्किंग, मेंडिंग. फैमिली मीन्स खानदान वालों ने किश्ती को डैश करना इंजॉय किया. सेलिंग मीन्स चलाना, किश्ती चलाना. गोइंग मीन्स जाना. पार्किंग मीन्स पार्किंग का मतलब एक ही भी है, जब आप गाड़ी वगैरह को पार्क करते हो किसी जगह पे रुकवाते हो या आप जब पार्क वगैरह जाते हो. एंड मेंडिंग मीन्स ठीक करना, मुरम्मत करना. 52nd इज स्प्रे इज़ द राइमिंग वर्ड ऑफ डैश. अब स्प्रे जो है इसका राइमिंग वर्ड यहाँ पे कौन सा है? फिल, लॉज, रिंकल, स्ट्रे. ओके. 53 इज शी वॉज ड्राइविंग अ डैश अम्यूजिंग पोर्ट्रेट पार्थोल एंड पोर्शन. वो क्या कर रही थी? ड्राइविंग मीन्स बनाना, तो वो क्या चीज़ बना रही थी? अम्यूजिंग हैरान होना. पोर्ट्रेट मीन्स किसी की तस्वीर वगैरह. पोर्थोल एंड पोर्शन. ओके. 54 इज द डैश लेट एन एग डॉग कॉ हिन गोट. अब इनमें से कौन से एनिमल ने अंडा दिया? 55 इज वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ डैश कॉफ़ी केक बिस्किट्स मिल्क. क्या आप एक ग्लास डैश लेना पसंद करेंगे? तो आपने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है. 56 इज द लिटिल फर ट्री स्टोरी इज टोल्ड बाय डैश. अब लिटिल फर ट्री आपके बुक में गिवन है, एक स्टोरी है, तो ये किसने लिखी है? जॉन डन, जॉन कोले, हांस क्रिश्चियन एंडरसन एंड रॉबर्ट केले. ओके. आपने सही जो ऑथर है इसका नेम आपने लिखना है. 57th is the woodcutters cut down the dash plants axes grass trees. woodcutters means लकड़हारे, जो लकड़ियों को काटते हैं. तो वो यहाँ इन ऑप्शंस में से आपने करेक्ट वन को चूज़ करना है कि वो क्या काटते हैं. ओके. 58 is the little fir tree grew up in the dash home forest school hospital. लिटिल फर ट्री जो है छोटा सनोबर का दरख्त जो था वो कहाँ पे बड़ा हुआ था? घर में, जंगल में, स्कूल में या हॉस्पिटल में. 59th वन इज़ आई रेड लॉट्स ऑफ डैश या आई रीड भी आता है. इसको आप सेकंड वो पास्ट टेंस में भी ले सकते हो या प्रेजेंट में भी. मैं बहुत ज़्यादा क्या पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ? बुक्स, चॉकलेट्स, कार्टून्स, बैडमिंटन. 60 is the children dash the tree cut burnt plaid decorated. बच्चों ने दरख्त के साथ क्या किया? इसको काटा, जलाया, इसके साथ केले या इसको सजाया. 61 is neat means dash prickly simple tidy noisy. नीट का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रिकली मीन्स खारदार, कांटेदार. सिंपल मीन्स सादा. टाइडी मीन्स साफ सुथरा. एंड नॉइजी मीन्स शोरीदा. 62 is lame is the baby of dash sheep goat hen and buffalo. lamb जो है और इन एनिमल्स में कौन से एनिमल का बेबी है, बच्चा है? 63 is word ends with aw is dash harm clown chew raw. अब आपने देखना है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो aw पे ख़त्म होता है. 64 is children never get dash listening to fairy tales. okay, fairy tales bored angry laugh hungry. बच्चे कभी भी परियों की कहानियाँ सुनते हुए नहीं, क्या नहीं होते? बोर नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, हंसते नहीं है या उनको भूख नहीं लगती. 65 is something you wrap and gave away is dash sugar chair aeroplane present. कोई एक चीज़ जिसको आप क्या करते हो, रैप में इस पर आप कवर चढ़ाते हो और फिर इसको किसी को देते हो, तो उसको क्या कहते हैं? चीनी है, कुर्सी है, एरोप्लेन है या तोहफा है? प्रेजेंट मीन्स तोहफा. 66 इज अ बिग बर्ड दैट इज स्टफ्ड एंड ईटन इज कॉल्ड डैश क्ला टर्की पैरट एंड स्पैरो. अब एक बड़ा परिंदा है जिसको आप क्या करते हो, वो जिसको आप भूनते हो और आप इसको खाते हो, तो उसको क्या कहते हैं? 67 is Christmas is a very dash time for children. Christmas बच्चों के लिए कैसा टाइम है? Exciting, weeping, boring, shouting. मज़े का टाइम है. weeping means रोने वाला है. boring जब आप बोर हो जाते हो, आपका दिल नहीं लग रहा. और shouting चीखने चिल्लाने का. 68 is the little fir tree was dash happy, tall, weeping, lonely.
छोटा सनोबर का दरख्त कैसा था। 69 इज़ आई वुड लाइक डैश इन माई टी फ्रूट मिल्क क्रीम बटर। मैं अपनी चाय में क्या लेना पसंद करूँगा या करूँगी। फ्रूट है, मिल्क है, क्रीम है और बटर है। बटर मीन्स मक्खन। 70 इज़ द फ्लिंटस्टोन्स इज़ अ डैश वीडियो गेम। अच्छा, ये वीडियो गेम है फ्लिंटस्टोन, क्रिकेट है, कार्टून है या ड्रामा है। 71 इज़ इन स्टोन एज थिंग्स वर मेड ऑफ डैश स्टोन्स और आयरन गोल्ड। पत्थर के ज़माने में चीज़ें कौन सी मीन्स चीज़ से बनी थी। पत्थरों से बनी थी, लकड़ियों से, आयरन मीन्स लोहे से या गोल्ड से, सोने से। ओके, 72 इज द डायनासोर्स नेम इन द फ्लिंटस्टोन इज डैश रबल फ्रेड विल्मा डीनो। फ्लिंटस्टोन जो है आपके बुक में गिवन है, तो उसमें जो डायनासोर है उसका क्या नेम है। 73 इज पीपल केम टू आयरलैंड अबाउट डैश इयर्स अगो। 50, 20, 12 or 10,000। ओके, तो कहते हैं कि लोग 50,000 साल पहले आयरलैंड आए थे, या 20,000 साल, या 12 या 10। ओके, दिस इज़ आल्सो गिवन इन योर बुक। 74 इज फ्रेड लिव्ड इन अ डैश स्टोन हाउस बंगलो अपार्टमेंट और टेंट। फ्लिंटस्टोन में जो फ्रेड है वो कहाँ पर रहता था। सो यू हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। 75 इज अ डैश इज ऑफन कॉल्ड एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड जिसमें काम हो रहा उसको क्या कहते हैं। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इंटरजेक्शन और वर्ब। 76 इज नोरीन टॉक टू द मैनेजर। द वर्ड टॉक इज डैश नाउन कंजंक्शन वर्ब एडवर्ब। नोरीन ने मैनेजर से बात की, तो टॉक जो है ये क्या है, नाउन है, कंजंक्शन है, वर्ब है या एडवर्ब है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के, एड जो है कि नाउन किस चीज़ को कहते हैं, प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, वर्ब और एडवर्ब। 77 इज द सन इज शाइनिंग इन द डैश अर्थ स्काई प्लैनेट वाटर। सूरज कहाँ पे चमकता है। द 78 इज थ्री स्मॉल चिल्ड्रन आर डैश हैंड्स। तीन छोटे बच्चों ने हाथ क्या किए हैं। कटिंग, फाइटिंग, लर्निंग, होल्डिंग। कटिंग मीन्स काटना, फाइटिंग लड़ना, लर्निंग सीखना, होल्डिंग पकड़ना। 79 इज शी डैश अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। टुक, टैग, टेकन एंड सॉ। उसने लाइब्रेरी से एक बुक ली, तो यहाँ पे टुक आता है, टेक आता है, टेकन या सॉ आता है। नंबर 80 इज द ऑपोजिट ऑफ जूनियर इज डैश एक्सिट सीनियर फॉल्स अनपॉपुलर। जूनियर छोटा, इसका ऑपोजिट क्या है। एग्जिट मीन्स छोड़ना, सीनियर मीन्स बड़ा, फॉल्स मीन्स गलत, अनपॉपुलर मीन्स गैर मशहूर या ना मशहूर। 81 इज डिंगल सॉरी ड्यूरिंग द स्टोन एज। स्टूडेंट दिस इज STONE। अच्छा, स्टोन एज पीपल लिव्ड इन द डैश केव्स स्वीट फनी बोन एंड डार्क। पत्थर के ज़माने में लोग गारों में रहते थे, तो वो गार किस तरह थे, स्वीट थे या मीठे थे, फनी थे, मजाहिया थे, बोन मीन्स हड्डियों के थे या डार्क थे, अंधेरे वाले थे। 82 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड डैश गैरेज या गैराज ग्लेट गेल और हेयर। बहुत तेज हवा को क्या कहते हैं। 83 इज सारा डैश विन द क्लाउन फिल वेप्ट पर्ड सैंग लाफ। जब क्लाउन मस्खरा जो होता है, जो आपको नखरे वगैरह दिखाता है, जब वो गिरा तो सारा ने क्या किया, वो रोई। पर्ड मीन्स एक आवाज़ सी निकालना, सेंग उसने गाना गाया या लाफ वो हंसी। कार्टून्स आर ऑन डैश न्यूज़पेपर्स टेलीविजन वॉल्स ट्रीज। कार्टून्स कहाँ पर होते हैं, तो आपने इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। 85 इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज़ अ वे ऑफ डैश थिंग्स नेमिंग लिस्टिंग सेटिंग मिसिंग। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है, जब आप चीज़ों को क्या करते हो तो इसको यूज़ करते हो, नाम देते हो, लिस्ट एक लिस्ट में लिखते हो, या इसकी सेटिंग करते हो, या चीज़ों को आप मिस करते हो, किसी जगह से हटा देते हो। 86 इज अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ डैश। वो छोटा सा लम्हा जो होता है, वक्त जो होता है, उसको क्या कहते हैं, मोमेंट ईयर आवर सेंचुरी। 87 इज यू लिसन टू डैश नंबर्स
म्यूज़िक, जू, वेजिटेबल्स, आप कौन सी चीज़ को सुनते हो? नंबर्स को, म्यूज़िक को, मौसीकी को, चिड़ियाघर को या सब्ज़ी को? 88 इज फ्लावर एंड शुगर आर केप्ट इन डैश स्टोर, स्कूल, हॉस्पिटल एंड किचन। आटा और चीनी हम कहाँ पर रखते हैं? स्टोर में रखते हैं, स्कूल में, हॉस्पिटल में या किचन में? 89 इज देयर इज वन सिलेबल इन डैश। अब इन वर्ड्स में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें एक सिलेबल है? फर, वंडरफुल, बार्नी, कैरेक्टर। 90 इज ओल्ड मैंस आर्क वाज टाइड टू डैश। ओल्ड मैंस आर्क, दिस इज अ पोम दैट इज इंक्लूडेड इन योर बुक। ओके, वी आर डन विद दिस पोम। अ ब्रिज, अ ट्री, अ कार, अ रॉक। ओल्ड मैन की जो आर्क थी ना, कश्ती थी, वो किस चीज़ से उसने बांधी थी? एक पत्थर से, दरख्त से, गाड़ी से या बड़े से चट्टान से? ब्रिज, सॉरी, ब्रिज मीन्स पुल, पानी के ऊपर जो पुल होता है। 91 इज अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ डैश वर्ड्स, सेंटेंसेस, अल्फाबेट्स, साउंड्स। पैराग्राफ जो है वो कौन सी चीज़ का ग्रुप है? कौन सी चीज़ें आपस में मिलकर एक ग्रुप की शक्ल में पैराग्राफ बनाती है? वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, अल्फ़ाबेट्स है या साउंड्स है? 92 इज एन एग्जाम मीन्स डैश बुक, पेन, टेस्ट, राइटिंग। एग्जाम का मतलब क्या है? किताब है, कलम है, टेस्ट है या लिखना है? 93 इज फॉक्स इज अ डैश एनिमल। फॉक्स जो है, लोमड़ी जो है, वो कैसा जानवर है? सो क्वाइट, खामोश, लार्ज, बड़ा, वाइट, सफ़ेद एंड क्लेवर मीन्स होशियार। 94 इज प्ली विन द मिसिंग लेटर्स आर डैश। अब प्ली और विन के दरम्यान में कौन से लेटर्स आते हैं? सी एच एस ई वी ई या ओ एन? 95 इज फ्रोजन वाटर इज नोन एज इज। ओके, फ्रोजन वाटर जो होता है वो पानी जो जम गया उसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड, एमेंस, आइस और जेम। ओके, 96 इज टू होप मीन्स टू जम, आयरन, एल, जेल। होप का मतलब क्या है? छलांग लगाना है। आयरन मीन्स इस्त्री या लोहा, एल मीन्स बीमार एंड जेल मीन्स जब आप जहाँ पर खेत होते हो लीगली तौर पर। ओके, 97 इज द किंग डैश हिमसेल्फ इन अ केव, हेड, केल्ड, स्क्वीज्ड, हंग। बादशाह ने अपने आप को एक गार में क्या किया? छुपाया, कत्ल किया। स्क्वीज मीन्स जब आप ज़ोर ज़बरदस्ती किसी जगह पर क्या करते हो, दाखिल होते हो। और हंग इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ हैंग, हैंग मीन्स लटकाना। यहाँ पर हंग का मतलब है पांसी। 98 इज द स्पाइडर वाज डैश अ वेब। अब मकड़ी क्या चीज़ बना रही थी? क्रिएटिंग, अच्छा अब वो जाला क्या कर रही थी? क्रिएटिंग, ड्रैगिंग, बिल्डिंग, स्पिनिंग। क्रिएटिंग मीन्स बनाना, ड्रैगिंग मीन्स खींचना, बिल्डिंग मीन्स आल्सो बनाना एंड स्पिनिंग मीन्स बुनना। 99 इज आई हैव डैश टू द डॉक्टर, टू, टू, टू एंड ए। स्टूडेंट इसमें क्यों नहीं है? अच्छा, मुझे एक डॉक्टर के पास जाना है, तो इंग्लिश में इसके हैव के बाद क्या कौन सा वाला टू आता है या इसमें ए आता है कि नहीं? The last one is the opposite of ordinary is dash unknown, rich, famous, extraordinary. Ordinary मतलब आम, तो इसका opposite जो है, उलट जो है, मुतजाद जो है वो क्या आएगा? unknown गैर मशहूर, rich अमीर, famous means मशहूर, extraordinary गैर मामूली। तो students, once again I'm telling you that you are not supposed to write the question. You have to write only the number and in front of number you have to write the answer. Okay, so we are done with these MCQs.